ओके, तो मैं आज आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि समय का हाथ हर किसी के लिए नहीं रुकता। How dare you? लेकिन मैंने सोचा कि अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में काफी लंबे टाइम से बात नहीं करी है, तो बात कर ली जाए। स्पेशली मूवी के नाम पर जो रिसेंटली उन्होंने रोगन जोश बनाया था, उसके बाद तो बनता है। तो हेयर आई एम टू रिमाइंड यू ऑल कि आखिरकार स्पाइडरमैन के प्यार में क्या कमी रह गई थी कि सोनी वालों के पास तीन तीन होने के बाद भी उन्होंने उसका इस तरह गला दबा के हत्या कर दी जैसे वो उनकी नाजायज औलाद हो। वैसे है भी सही, लेकिन अगर शुरुआत से ही शुरुआत करनी है तो याद करो एक बार उस मोमेंट को अच्छी तरह से जब वेनम 1 अनाउंस हुई थी। मैं इस मूवी को लेकर पर्सनली काफी एक्साइटेड था और इस चीज के दो रीजंस हैं। पहला शुद्ध कारण तो ये था कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद इस मूवी को अनाउंस किया था सोनी वालों ने, तो मेरे दिल के कोने में कहीं ना कहीं मैंने ये उम्मीद बांध ली थी कि शायद सोनी वाले इस मूवी में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को दिखा सकते हैं और अपने यूनिवर्स में फाइनली अपने को एक वेनम देखने को मिल जाएगा। और दूसरा रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि उस टाइम तक मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतने हरामी निकलेंगे। तो जब इस बात का पता लगा कि मूवी में स्पाइडरमैन नहीं होगा तो फिर मन में दुख तो हुआ, लेकिन अपने आप को ये बात बोल के समझा लिया कि चलो स्पाइडरमैन नहीं है तो कोई बात नहीं, टॉम हार्डी तो है, वेनम तो है, इन्हीं लोगों से काम चला लेंगे, मूवी इतनी भी बुरी नहीं होगी। एंड आई वाजंट रॉन्ग, मूवी इतनी भी बुरी नहीं थी। लेकिन इसी बात का सोनी ने वो नाजायज फायदा उठाया कि उस चीज की सजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं, क्योंकि उससे उनको वो चीज मिल गई जो आपकी और मेरी बर्बादी का कारण बना, कॉन्फिडेंस। उन्होंने सोचा कि वेनम चल गई, बस अब तो क्या है, कुछ भी बना दो, अंधा चल रहा है, डेयरडेविल की बात नहीं कर रहा हूं, कच्ची घानी पी के एक पूरा का पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दिया। और सबसे मजे की बात, उस सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम क्या है? सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स। ये तो वही बात हो गई कि क्रश नहीं पट रही है, एक काम करता हूँ उसके नाम का टैटू गुदवा लेता हूँ, क्या पता उसकी दोस्ती पट जाए। खैर, इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई वेनम से और सोचा कि पहली चल गई है तो सीक्वल तो बनाना ऑब्वियस सी बात थी। तो इसी के बाद आती है इसका दूसरा पाप जो कि स्क्रीन पे क्या हो रहा था मुझे आज तक समझ में नहीं आया, वेनम लेट देयर बी कार्नेज। इसने लिटरली मेरे अरमानों के साथ कार्नेज करके रख दी। स्क्रीन पे क्या हुआ मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन मैं इसे मूवी ना बोल करके बस ये बोलना चाहूंगा कि स्क्रीन पे 1 घंटा 15 मिनट काला खट्टा ही चल रहा था बस। देखो, अब वेनम के बाद मैंने वेनम से तो पहली उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन कार्नेज, वुडी हैरल्सन को आपने कास्ट किया कार्नेज के रोल में और आप उसके साथ पता नहीं क्या अंडरबन टाइप की हरकतें करवा रहे हो, और चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन कॉमिक बुक्स में क्लीटस कैसिडी और स्पाइडरमैन का एक ऐसा एनकाउंटर था जिसको मैं जेन्युइनली लेकर एक्साइटेड था। अब मार्वल वाले इसका क्या उखाड़ लेंगे, मतलब कॉमिक बुक्स में ये बंदा लिटरली मार्वल यूनिवर्स में इंसैनिटी को रिप्रेजेंट करता है और आपने यहाँ पे उसकी मैयो करके रख दी। पूरा टाइम कीले फेंकता रहा और अपने साथ वो 4 फुट की सबवूफर को लेके घूम रहा था, जब उसकी तारे हिले चीखे मारना शुरू कर दे। और चलो एमसीयू में कार्नेज को जैसे तैसे करके वो लोग इंट्रोड्यूस कर भी देंगे, लेकिन उसके बाद जो आपने पाप किया उसका क्या? वो जो बच्चे के सपने में भी आए तो 17 रातों तक दोबारा ना सोए, डर के मारे नहीं, सदमे से कि दोबारा पूरी पिक्चर देखनी पड़ गई। इससे अच्छा तो आदि पुरुष का चमगादड़ था, कम से कम मर तो गया। कह रहे इंसानों का खून नहीं पीता, इंसानों का खून नहीं पीता, कहां से पिएगा, थिएटर में जो ऑडियंस बैठी है उनका जो पी रहा था। और उससे भी बड़ा पाप तो हमने किया ये उम्मीद लगाकर कि स्पाइडरमैन कब अपीयर होगा, नहीं कौन सा स्पाइडरमैन अपीयर होगा, क्योंकि अपेरेंटली इन्होंने ट्रेलर में टोबी वाले स्पाइडरमैन का पोस्टर जो दिखा दिया था। इनफैक्ट माइकल कीटन को खुद भी नहीं पता था कि वो इस पिक्चर में क्यों थे, क्या थे, कैसे थे और कब थे। वो आज तक और अपनी पूरी करियर लॉन्ग इस बात को इमेजिन करते रह जाएंगे कि क्या किया उन्होंने ये अपने करियर में। आई हैड होप्ड कि ट्रेलर बेट करने के बाद भी किसी को क्लैरिटी मिलती, लेकिन क्रेवन का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और फिर इस बीच इन्होंने मार्वल से टाई अप किया स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ और हम साले मजदूर लोग एक बार फिर से काम पे लग पड़े कि भाई अब हो सकता है कि स्पाइडरमैन इनके यूनिवर्स में शो अप कर जाए, क्योंकि वो देखो नो वे होम आई है तो इसमें एंड्रयू अपीयर हो गया था, तो सोनी और एंड्रयू के रिलेशन फिर से इंप्रूव हो चुके हैं, तो शायद मैडम वेब आ रही है, इसमें एंड्रयू अपीयर हो सकता है, इसमें टोबी अपीयर हो सकता है। हम लोग बार बार पॉइंट नंबर 2 भूलते चले जाते हैं, इनकी नीयत पे कैसे शक नहीं करते। और मैडम वेब, इसकी तो मैं क्या तारीफ करूं, इतनी पवित्र कास्ट को लेकर आपने जो पाप किया है इसको माफ करने वाले को सजा होनी चाहिए। टोबी वाली स्पाइडरमैन के एसेट्स रीयूज हो रहे हैं इस पिक्चर में, उससे अंदाजा लगा लो कि क्या स्टैंडर्ड होगा इस मूवी का, दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला कंसोल बना रहे हो आप। लेकिन पाप अभी खत्म नहीं हुए, क्योंकि इसके बाद आने वाली है क्रेवन द हंटर और उसके बाद आएगी टॉम हार्डी की आखिरी वेनम, द लास्ट राइट, लास्ट जो भी नाम है, एट दिस पॉइंट आई हैव फॉरगॉटन द नेम्स। और माना कि क्रेवन में एरन टेलर जॉनसन है, और अब मैं पॉइंट नंबर 2 नहीं भूलूंगा क्योंकि कास्ट से तो मैं बिकने नहीं वाला। टॉम हार्डी, वुडी हैरल्सन, डकोटा जॉनसन, सिडनी स्वीनी, माइकल कीटन, जेरेड लेटो तक को लिटा दे, जो ऐसी गॉड लेवल स्क्रिप्ट और डायरेक्शन तो सिर्फ ओम रावती कर सकते हैं। और क्रेवन द हंटर के साथ एक नई आर रेटेड वाली स्कीम जोड़ दी इन लोगों ने, ताकि लोग फिर से पॉइंट नंबर 2 को भूल जाएं और थिएटर में पहुंच जाएं। लेकिन मुझे पता है इस बार
इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं चुकेगा नहीं साला। और मैं इसको न्यूज कहूं या बिलेटेड बैड न्यूज मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन सोनी वालों ने क्रेवन द हंटर को एक बार फिर से डिले कर दिया है 1,000,00,000 करोड़ बार, और इस बार दिसंबर में। उनको लग रहा है कि नो वे होम का मैजिक रिक्रिएट कर लेंगे। तो सोनी वालों को याद नहीं है तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि नो वे होम को $2 बिलियन दिसंबर ने नहीं, 3 स्पाइडरमैन ने कमा के दिए थे, क्रेवन के पास तो एक भी नहीं है। अब अगर आप पॉइंट नंबर 2 भूल चुके हो कि पॉइंट नंबर 2 मैंने क्या बोला था, तो वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो। तो हर बार हम लोग पॉइंट नंबर 2 भूल के थिएटर में चले जाते हैं। मैडम वेब के टाइम में नहीं भूला था, लेकिन फिर भी हम लोग थिएटर में पहुंच जाते हैं और हमको मिलता क्या है, निर्वस्त्र भवा। मैडम वेब में तो वो भी नहीं हो पाया था। बट ऑन अ सीरियस नोट, इस पूरे यूनिवर्स को ये लोग सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स कह के बुलाते हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी स्पाइडरमैन का कोई नामो निशान नहीं है। हर बार हमको ट्रेलर बेट जो भी बैठ करके बुलाना है बुला लेते हैं, बट देर इज नो स्पाइडरमैन येट। और दूर दूर तक अते पते नहीं है, क्योंकि अपने स्पाइडरमैन को ये लोग गेम्स में यूज कर रहे हैं, एनिमेटेड यूनिवर्स में यूज कर रहे हैं, और एमसीयू के साथ टाई अप करके यूज कर रहे हैं, विच आर वर्किंग वेल फॉर देम सो फार। एंड आई एम ग्लैड कि अभी तक इन लोगों ने अपनी मूवीज में यूज नहीं किया, नहीं तो सोच के देखो कि उसके साथ क्या बकर भुसंडी हो जाती। सो आई डोंट वॉन्ट देम टू यूज इन देयर मूवीज, लेकिन फिर भी एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन, इनको लेकर हमें क्लोजर मिले ही कहाँ है। और ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही है, आए दिन सैम रेमी ने रिसेंटली बोला कि वो टोबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन 4 को लेकर ओपन है, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर सोनी वाले उनको अप्रोच करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वो स्पाइडरमैन 4 पे काम कर सकते हैं। लेकिन बात आगे कहां बढ़ती है, और एंड्रू गारफील्ड अमेजिंग स्पाइडरमैन के साथ अच्छा खासा क्रिएटिव कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सेकंड पार्ट में क्या हुआ, तो वो थर्ड पार्ट में वो पूरी चीज नहीं होने देंगे। लेकिन सोनी वाले पॉइंट नंबर 2 पता नहीं क्यों वो अपने यूनिवर्स में सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन स्पाइडरमैन को छूने से ऐसे डरते हैं जैसे हाइड्रोफोबिक कुत्ता हो। उसको पता है कि पानी पीने से ही उसकी जान बचेगी, लेकिन फिर भी पीना नहीं है। कुल मिलाकर जो कुछ भी चल रहा है, इन लोगों ने जो भी जितना भी यूनिवर्स क्राफ्ट किया है, क्रिएट किया है, मैं देखना चाहता हूं कि इसका एक्सटेंट क्या है और ये कहां तक जाएगा। और इसको देखने में मजा बहुत आएगा, क्योंकि वेनम 3 के बाद इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन लोगों ने स्पाइडरमैन को तो इंट्रोड्यूस किया नहीं है, और ये वेनम के भरोसे कहां तक जाएंगे। वेनम, टॉम हार्डी के वेनम को ये लोग अलविदा बोलने वाले हैं, उसके बाद देखना है कि कहां तक जाएगा। ऑल्दो मुझे पता है कि लोग क्या करने वाले हैं इसके साथ, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहता हूं। बट आई वॉन्ट टू नो वॉट यू गाइज थिंक अबाउट इट। और मेन वाइल, अगर आप लोगों ने मेरा पता नहीं ये वाला वीडियो नहीं देखा तो वो यहां पर होगा, प्लीज गो चेक इट आउट। तो जाने से पहले, कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर वीडियो को पता नहीं क्यों लाइक करोगे, तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सोनी स्पाइडरमैन सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैन कहलाओगे। वैसे आजकल आप करती क्या हैं? मेरी दो बहुत बड़ी दूध की फैक्ट्रीज हैं। दूध फैक्ट्रीज? हाँ। अच्छा। अगर आज रात 9 बजे तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें अपनी दोनों फैक्ट्रीज के दर्शन दूंगी। हाँ? और मुफ्त में भी दूंगी। क्या दूध? अब दूध, श्योर श्योर मैं जरूर पीऊंगा। आई मीन आऊंगा, आई विल कम।